दोस्तों, इंग्लैंड के साथ पहला मुकाबला जीतने के बाद इंडियन टीम ने दूसरा मुकाबला भी जीत लिया है। इस मुकाबले को इंडियन टीम ने 4-3 से जीता है। इस मुकाबले में 7 गोल्स हुए और सातों के सातों पेनल्टी कॉर्नर से ही आए। इस मैच में भारत के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हरमनप्रीत सिंह ने 100 गोल्स पूरा कर लिया। इस मैच में पहला गोल इंग्लैंड ने किया, जो कि 6ठे मिनट में आया। पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद इंग्लैंड 1-0 से लीड कर रहा था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर की शुरुआत में भारत ने स्कोर को इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद 25वें मिनट में भारत को 2 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले और दोनों ही पेनल्टी कॉर्नर्स में भारत ने गोल किया। तो पहले हाफ के खत्म होने के बाद स्कोर था भारत के पक्ष में 3-1। उसके बाद सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ, तब इंग्लैंड ने 38 मिनट में गोल करके इस लीड को कम किया, लेकिन उसके बाद भारत ने फिर से 42nd मिनट में गोल करके स्कोर को कर दिया 4-2। लेकिन भारत ज्यादा देर तक इस 2 गोल के लीड को बरकरार नहीं रख पाई और 43rd मिनट में गोल करके लीड को मिनिमाइज किया। फोर्थ क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाए। इसमें इंग्लैंड ने गोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन भारत ने यह होने नहीं दिया। मैच के अंतिम सेकेंड्स में भारत ने बॉल अपने पास रखा और इसी के साथ इस मैच को भी जीत लिया। अब देखते हैं मैच के कुछ स्टैट्स। इस मैच में इंडिया का पोजीशन 48% रहा, जबकि इंग्लैंड का 52%। इंडिया ने 10 शॉट स्ट्राइक किए, जबकि इंग्लैंड ने 5। सर्किल पेनिट्रेशन भी इंडिया ने ज्यादा किए। इंडिया ने टोटल 24 सर्किल पेनिट्रेशन किए, जबकि इंग्लैंड ने 17। इंडिया को 8 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, जिसमें से इंडिया ने 4 गोल्स किए, जबकि इंग्लैंड को 6 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, जिसमें से सिर्फ 3 में गोल कर पाए। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया के डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। इंडिया इसी के साथ FIH प्रो लीग टेबल के टॉप पर मौजूद है। भारत ने टोटल 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 में जीत मिली है और 3 में हार मिली है। और भारत के पास 21 पॉइंट्स हैं। 17 पॉइंट्स के साथ जर्मनी सेकेंड पोजिशन में है और 16 पॉइंट्स के साथ नेदरलैंड थर्ड पोजिशन पर है। इसके बाद भारत 14 और 15 अप्रैल को जर्मनी के साथ मैच खेलेगी, जो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होस्ट किया जाएगा। ये दोनों मैचेस इंग्लैंड से पहले होना था, लेकिन जर्मन खिलाड़ियों के COVID-19 पॉजिटिव हो जाने के कारण इस मैच को पोस्टपोन कर दिया गया था। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।